गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये जुलाई महीने का हमारा 20वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, महात्मा ज्योतिबा फूले ऋण माफी योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर चार राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 2019 में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, लेकिन इस कार्यक्रम को अभी कुछ ही दिनों पहले लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद महाराष्ट्र के जितने भी किसानों का ऋण है उसमें से लगभग 83% किसान ऋण माफ हो जाएंगे। लगभग 17,646 करोड़ रुपये जो किसानों ने ऋण के रूप में लिया था अब उन्हें माफ कर दिया जाएगा। जो बात हमसे पूछी जा सकती है वो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में, आप इसे ध्यान रखें। महात्मा ज्योतिबा फूले जिनका जन्म 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिला में हुआ था, इनको महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जिनका नाम विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर थे उनके द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्य जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको याद रखना है, इन्होंने छुआछूत के उन्मूलन के लिए काफ़ी जोर शोर से कार्य किया। जाति व्यवस्था में जिस प्रकार के आडंबर हैं उनको दूर करने की कोशिश की, महिलाओं के सशक्तिकरण और जिस प्रकार के सामाजिक जकड़ में महिलाओं को बांधा गया था उनसे बाहर निकलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। हिंदू परिवार के अंतर्गत जो भी आज सुधार आपको दिख रहे हैं महिलाओं पुरुषों के बीच में, बेटा बेटी के बीच में, उनको शुरू करने का श्रेय इन्हीं के द्वारा दिया किया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। इनकी पत्नी सावित्री बाई फूले, इनको भी इन्हीं के साथ एक महत्वपूर्ण भारत के प्रसिद्ध सामाजिक सुधार में से सुधारक में से एक माना जाता है। इनकी पत्नी सावित्री बाई फूले के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा को शुरू करने के लिए अग्रदूत के रूप में माना जाता है। इन्हीं के द्वारा भारत में पहला महिला स्वदेशी स्कूल की शुरुआत की गई थी जो कि वर्तमान के पूना यानी कि पुणे में है, तो इसे आप ध्यान रखें। वो 1848 में की गई थी। महर और मंग ये दो अछूत समझी जाने वाली जातियां हैं जो आज भी हैं, और जो B.R. अंबेडकर थे वो महर जाति के ही थे। तो इन जाति के बच्चों के लिए स्कूल की शुरुआत भी इन्हीं दंपत्ति के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखें। जो ब्राह्मण विधवा महिलाएं हुआ करती थी उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, और यदि उनको घर से नहीं निकाला जाता था तो उनको सती होने के लिए कहा जाता था। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो सती नहीं होती थी तो उनको घर में बहुत तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था, तो वो घर छोड़ देती थी। तो उनको एक आश्रय के रूप में सुरक्षित स्थल जो उपलब्ध कराया गया था वो भी ज्योतिबा फूले के द्वारा ही करवाया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। भारत में अनाथालय व्यवस्था शुरू करने वाले जो हिंदुओं के लिए थी वो भी इन्हीं के द्वारा सबसे शुरू में किया गया था शुरुआत, तो इसे भी आप ध्यान रखें। क्योंकि जो बच्चे होते थे, कई बार महिलाओं को कई प्रकार के हिंसाओं का सामना करना पड़ता है जिसके बाद वो गर्भवती हो जाती हैं, तो उनके बच्चों को ना तो समाज एक्सेप्ट करता था और ना ही सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्था की जा रही थी। तो उस कंडीशन में जो बच्चे पैदा हो जाते थे उनको एक आश्रय देने के लिए शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से महिलाओं पर शोषण बढ़ रहे थे, उनको स्नान करना इत्यादि के लिए समस्याएं हो रही थी, तो अपने घर के बाहर इन्होंने एक नहाने का स्थल बनवाया था जहां पर सामूहिक रूप से कोई भी व्यक्ति आकर स्नान कर सकता था, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी, तो ये कर सकता था। इन्होंने सामूहिक स्तर पर जाति पाति को छोड़कर भोजन करने की व्यवस्था भी सबसे पहले की थी। आगे चलकर 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
तो उनमें से दो को आपको याद रखना है, एक तो तृतीय रत्न और दूसरा है गुलामगिरी। आपको ये पूछा जा सकता है ये किसकी रचना है या तो किसकी कृति है, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले की। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लोग डाक मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। यहां पर चार आपके दिए गए ऑप्शन में, सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी, कैदी जो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो, अनुपस्थित मतदाता। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले तक, मतलब इस साल के लगभग मीड तक, डाक द्वारा अपने मत का उपयोग करने का अधिकार सशस्त्र बलों के सारे जो सदस्य हैं उन लोगों को दिया जाता था। भारत के बाहर यदि कोई सरकारी व्यक्ति है, मतलब कोई भारत का नागरिक है और भारत सरकार के अंतर्गत विदेशों में काम कर रहा है, तो उनको और उनकी पत्नी को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ऐसे कैदी जो कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी दिया गया था। लेकिन अभी चुनाव आयोग के द्वारा एक और लिस्ट का गठन किया गया है जिसमें अनुपस्थित मतदाता का नाम शामिल किया गया। जैसे जो दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत कार्य करते हैं वे लोग भी डाक मतपत्र का उपयोग करके अपना वोट दे सकते हैं। वैसे ही जो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत सेवा प्रदान कर रहे हैं मीडिया कर्मी हैं, उन लोगों को भी अब डाक मतदाता के माध्यम से अपना वोट देने का अधिकार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। जो बदलाव अभी किया गया है उसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के कुछ विशेष मतदाता भी होते हैं जो इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं, दोनों सदनों के जो अध्यक्ष हैं, चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, इन सारे लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी वोट दे सकते हैं डाक मतपत्र का उपयोग करके। जिन लोगों को अभी शामिल किया गया है वो मैंने आपको बता दिया, आप इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यूज में क्यों आया, तो फ्रेंड्स अभी जब बिहार का इलेक्शन होने वाला था उस टाइम पर कहा जा रहा था 65 साल के से ज्यादा उम्र के जो है सब लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, लेकिन ये नहीं किया गया। किया ये क्या कि 65 साल से ऊपर, लेकिन 80 साल तक ही, मतलब 80 साल से ऊपर यदि कोई व्यक्ति है तो वो अपने वोट का उपयोग डाक मतपत्र के माध्यम से नहीं कर सकता। उसको, मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कहा गया है, 65 से 80 साल के बीच के होंगे तो उन लोगों को अनुमति दी जाएगी। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा या तो से अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है जो मंगल पर उतरने की उम्मीद कर रहे हैं। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कहता है चीन का तेनगा सीमा एक। देखिए तेनगा सीमा एक जो है ना वो जापान का एक ऐसा साइट है जहां से किसी अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया जाता है। चीन के द्वारा एक मंगलयान इसी महीने के अंत तक भेजा जाएगा जिसका नाम तियानवेन वन होगा। यहां पर तेनगा सीमा वन दिया गया है। तेनगा सीमा वन जो है वो जापान में एक प्रक्षेपण स्थल है, तो इसे आप याद रखेंगे, पहला गलत हो जाता है। दूसरा कहता है यूएई का होप, देखिए इसी साल अभी कुछ दिन पहले, कल ही भेज दिया, इसीलिए तो ये न्यूज में भी है, तो इनके द्वारा प्रक्षेपण किया जा चुका है तो ये इसे हम चुनेंगे। यूएसए का मंगल मिशन 2020, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मतलब अभी 2020 में ही यूएसए के द्वारा भी एक मंगलयान भेजा जाएगा, यूएई ने भेज दिया है, चीन भी अभी इसी महीने के, मतलब जुलाई महीने के लास्ट में भेजेगा जिसका नाम तियान वेन वन है, तो इसे आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इससे जुड़ा हुआ और जो बात जिसे आपको ध्यान रखना है, जो मंगल मिशन भेजा गया है किसके द्वारा, यूएई के द्वारा, जिसका नाम होप है, वो जो अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उनमें से पहला है। बहुत टाइम से जो सऊदी अरब है वो ट्राई कर रहा है लेकिन दो या तीन बार उसका टाला जा चुका है, तो उसका अभी तक भेजा नहीं गया है। उस पूरे एरिया में यूएई ऐसा करने वाला पहला देश बना है। ठीक, फरवरी 2021 में
जब यूएई अपने एकीकरण का मतलब अपने अलग देश बनने का 50वां वर्षगांठ बनाएगा, उसी समय इसके प्रवेश करने की मतलब मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद जताई गई है। तो ये एक बात थी। दूसरा, अभी तक कुछ देश ही हैं जिन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद हमारा प्यारा भारत, उसके बाद यूएसएस मतलब रूस आप बोल लीजिए, उसके बाद में है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। मतलब अभी तक चार ही लोगों ने ऐसा काम किया है। ये यूएई पांचवा हो गया। अगर चीन इस महीने के लास्ट तक भेज देता है तो ये छठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर दो कथन दिए गए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है यह गृह मंत्रालय के अधीन है। बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिए 1886 में इसे स्थापित किया गया था। किसे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, ताकि भारत में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोई भी क्राइम होता है तो उसका एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रखा जाए। ताकि मान के देख चलते हैं कि दिल्ली का इलाका है जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहां पर आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है, तो यदि डाटा रहेगा रिकॉर्ड रहेगा तो उस दिशा में कुछ भी कार्य किया जा सकता है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया जा सकता है, क्यों किया जा रहा है उस पर जांच की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। वैसे ही जो सड़क दुर्घटना होती है उससे संबंधित यदि आंकड़ा होगा, ये पता चल जाए कि आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में जमकर एक्सीडेंट हो रहा है, तो सड़क को कुछ बेहतर किया जाएगा। जब तक आंकड़ा नहीं होगा तब तक आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसे बनाया गया था 1986 में। तो ये आप याद रखेंगे, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला कहता है यह भारत में अपराध नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देश भर के पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर के आधार पर रिकॉर्ड अपराध रिकॉर्ड है। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है जिस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रखा जाता है और इसी संबंधित जो एक रिपोर्ट होता है, वार्षिक रिपोर्ट होता है, उसे भी जारी किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखें, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो यदि हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो इसे यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1986 में इसे स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि अपराध से संबंधित कोई भी गतिविधि हो, चाहे वो मर्डर के माध्यम से हो, दुर्घटना के माध्यम से हो, आत्महत्या के माध्यम से हो, जेलों में यदि इसी से संबंधित कुछ भी है तो सारा आंकड़ा एक स्थान पर इकट्ठा करके रखने का कार्य किया जाता है। चार प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है। एक तो है भारत में अपराध, जिस जो क्या से होता है, जितने भी रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, जितने भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन पर जारी किया जाता है। दुर्घटनाओं से संबंधित, आत्महत्या से संबंधित, ये तो एक ही में होता है, दुर्घटना और आत्महत्या। उसके बाद जेलों क्या क्या हालत है, कितनी भीड़ है जेलों में, किस प्रकार के क्रिमिनल जो हैं वो जेलों में हैं, उनसे संबंधित आंकड़ा भी एक जारी किया जाता है, और फिंगरप्रिंट से संबंधित आंकड़ा भी जारी किया जाता है। तो ये चार प्रकार के आंकड़े जारी करती है, इसे आप याद रखेंगे। न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए 2017 में जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया था, जो डाटा इकट्ठा किया गया था, उसको 2019 के लास्ट लास्ट में जारी किया गया था। उसके बाद 2020 के कुछ दिन के बाद तो हम लोग अभी घरों में कैद हैं। तो ये 2017 का आंकड़ा 2019 में जारी किया गया। उसके बाद क्या होता है कि जो आंकड़ा जारी किया गया उसमें मोब लिंचिंग से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा तो किया गया लेकिन उसे जारी नहीं किया गया। मोब लिंचिंग मतलब यदि कुछ ऐसे गतिविधियां जैसे कि बच्चा चोरी या फिर गो हत्या, यानी कि गो हत्या और या फिर गो मतलब गाय के मांस को खाना इत्यादि से संबंधित कुछ होते हैं, उन पर क्या किया जाता है कि पूरे गांव वालों के द्वारा या फिर किसी विशेष कम्युनिटी के द्वारा लोगों को बिना केस दर्ज कराए मार दिया जाता है, बस शक के आधार पर, तो उसे हम मोब लिंचिंग कहते हैं। तो भारत में आपने गौर किया होगा कि इस प्रकार की गतिविधियां पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन इसका आंकड़ा ये जारी नहीं किया गया जबकि इसे रिकॉर्ड किया गया था। और अभी कुछ समय पहले जब इसका खुलासा हो रहा है तो न्यूज में ये चलने लग रहा है, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। मतलब मोब लिंचिंग से संबंधित 2017 के
आंकड़ा में जिसको 2019 में जारी किया गया था नहीं किया गया था शामिल, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन एक अन्य बात जो इस डाटा में था वो बाल यौन शोषण से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया था, ये नया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो भारत सरकार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा 2016 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखें। तो क्या है क्या नहीं है, इन सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया, आप ध्यान रखेंगे। जो 2019 में आंकड़ा जारी किया गया था उसके हिसाब से असम में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन में कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं, जैसे कि अनुरूपता मूल्यांकन निकाय, आपसे ये पूछा जाएगा कि यह क्या है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिए एक ऐसा निकाय है जो भारत में किसी भी प्रकार का लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला स्थापित किया जाना है तो उसको अनुमति इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि भारत में कोई मोबाइल कंपनी है वो यहाँ पर मोबाइल से संबंधित शोध करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित कर रही है तो उसको अनुमति अनुरूपता मूल्यांकन निकाय से लेना पड़ेगा। अनुरूपता मूल्यांकन निकाय क्या है, ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जो एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और वो जो प्रयोगशाला होगा वो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रयोगशाला, वो रसायन से संबंधित, विद्युत से संबंधित, मैकेनिकल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, विनाशकारी पदार्थ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रयोगशाला होगा भारत में स्थापित किया जा रहा है तो इसके अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, तो इसे आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक क्या कहता है, ये बाथिनोमस रेक्सास, आपको पूछा जाएगा ये क्या है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ये कोई ग्रह है, दिया जा सकता है ये किसी पौधे का प्रजाति है, या फिर दिया जा सकता है मछली की प्रजाति है। आप याद रखेंगे बोथिनोमस जो है वो एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसे कुछ दिन पहले अभी कहां देखा गया था, पूर्वी हिंद महासागर में देखा गया था। इससे पहले इसे कभी भी दर्ज नहीं की गई थी, ये पहली बार है जब इसे देखा गया है। इसके 14 पैर हैं, ये पैर कितने हैं वो पूछेगा नहीं, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि बाथिनोमस रक्सास ये न्यूज में था क्या है, तो आप कहेंगे ये एक समुद्री जीव है जो कहां पाया गया था, ये पाया गया था पूर्वी हिंद महासागर में, इंडोनेशिया जो है वहां पर जावा के दक्षिणी तट पर इसे पाया गया था, तो इसे आप ध्यान रखें। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।